हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मीनूज लाइफ। आप लोग सोच रहे हो कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ, तो मैं किचन में ये कर रही हूँ कि मैं आज आप लोगों के साथ कोई भी मेकअप डीआईवाई या फेस पैक ऐसा कुछ शेयर करने वाली नहीं हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक रेसिपी है अप्पम की रेसिपी, और ये रवा अप्पम में बनाने जा रही हूँ, जो कि थोड़े से सूजी और दही से बनता है और बहुत कम तेल में बनता है, झटपट बन जाते हैं। तो मैं बनाऊँगी नाश्ते में आज अप्पम और इसके साथ चना दाल और नारियल की चटनी। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं कि ये बनती कैसे है। और ये बहुत ईजी बन जाता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है, हेल्दी होता है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो अप्पम बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले सूजी लेंगे। ये 1/2 kg का सूजी का पैकेट है, जिसे मैंने एक भगोने में डाल दिया है। और अब इसमें मैं 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 हरी मिर्चें मैं क्रश करके डालूँगी, जिसे मैंने चॉपर में क्रश किया, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी। ये देखिए, ये मैंने दही को पानी में अच्छे से मिक्स करके उसे छाछ बना लिया, और इसे मैं इसमें डालकर मिक्स करूँगी। मैं थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करूँगी, लम्स नहीं बनने चाहिए। और इसे मिक्स करके मैं 15 से 20 मिनट तक इसे फूलने के लिए रख दूँगी। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ये गीला नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मैंने भी इसे मिक्स कर सूजी को तो मिक्स करके मैंने रख दिया। अब मैं यहाँ चटनी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, और कढ़ाई में मैं सूखे हुए चने की दाल, सूखा ही विदाउट ऑयल, मैं इसे रोस्ट करूँगी। ये देखिए, मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ, और आँच कम ही रखें, सिम आँच पर इसे रोस्ट करें, वरना दाल जलने लगता है, जल जाएगा तो चटनी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए, दाल भुन गया है, उसका कलर चेंज हो गया है। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया गरम गरम में ही, ताकि ये फूल जाए और मिक्सर में अच्छे से पिस जाए बारीक। अब इसे मैं छोड़ दूँगी फूलने के लिए। यहाँ मैंने पैन चढ़ाया है, और पैन में मैं चटनी का तड़का रेडी कर रही हूँ। गाइस, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हुई है, प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा इसे, पर मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। ऑयल मैंने 2 चम्मच डाला था, और मैंने राई डाला है राई तड़कने के लिए, और ये कड़ी पत्ते डाल रही हूँ मैं। कड़ी पत्ते और राई को अच्छे से रोस्ट करूँगी। ये रोस्ट हो गया, अब मैंने इसे बंद कर दिया। अब मैंने जो दाल को भिगोया था ना, उसे मैंने ले लिया है चटनी पीसने के लिए, क्योंकि वो ठंडा हो चुका था, गर्म होता है तो नहीं पीसता है ना, और फूल भी जाता है। और मैंने इसमें 1 कच्चा नारियल डाला है दाल में, और ये देखिए 4-5 हरी मिर्चें थी, और 2 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक को मैं काट काट कर डाल रही हूँ, ताकि अच्छे से पिस जाएगा बारीक। और ये चटनी पिस गई है, और जो तड़का मैंने रेडी किया था, उसमें मैंने चटनी को डाल दिया, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर मैं उसे मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा क्लिप साइड हो गया है, प्लीज़ गाइस इग्नोर कीजिएगा इसे। ये देखिए, मैं नमक डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, और इसे मिक्स करके मैं चटनी को साइड में रख दूंगी। अब ये चटनी कंप्लीट है। अब आ जाते हैं अप्पम पर। तो सूजी हमारी फूल चुकी है, देखिए हमने जितना भी छाछ डाला था उसे वो सोख कर चुका है। अब मैं इसमें पानी मिक्स कर रही हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पानी मिक्स कर रही हूँ, जैसे इडली का बैटर होता है ना, बस उस तरह से। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी इसमें मिक्स करके डालूँगी, एक साथ ज़्यादा नहीं डालूँगी, और इसे अच्छे से फेंटूंगी। इडली का कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इडली की, जैसे जैसे इडली का बैटर होता है। अच्छे से इसे मिक्स करें। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, अदरक और हरी मिर्च को भी मैंने डाला था। अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 चम्मच मीठा सोडा। ये जब बनाना हो आप तभी डालें, उससे पहले ना डालें। बेकिंग सोडा होता है ना, खाने वाला सोडा, वो है। इससे रवे बहुत हल्के और फूले फूले बनेंगे। पहले से डालकर इसे ना रखें, खमीर ज़्यादा उठ जाएगा, बनाने टाइम ही इसे डालें।
और ये देखिए मैंने अप्पम मेकर जो है मैंने इसे गैस पर रख दिया, ये गर्म हो गया है। मैं देखिए मैं कितना थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ। बस ऐसे ही आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना है इसमें। गाइस प्लीज़ थोड़ा सा क्लिप को इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा साइड ज़रूर हो गया है पर दिख रहा है। अब वो जो बैटर मैंने बनाया था ना, अब उस बैटर को इसमें चम्मच से मैं डालूँगी। ये देखिए इस तरह से ही ऐसे डाल देना है, ऐसे चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके। देखिए अभी पहले मैंने जिसे डाला था वो अभी से ही फूलने लगा है, थोड़ा थोड़ा करके इसे डाल देंगे और इसे ढक देंगे 3 से 4 मिनटों के लिए। देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है। अभी अपर मेकअप के साथ ना ऐसी स्टिक आती है, इससे इजीली पलट दिया जाता है, तो इसे ऐसे ही पलट पलट देंगे अच्छे से। चम्मच से भी आप पलट सकते हैं, मैं चम्मच से भी पलटती हूँ, जो मेरे सामने रहता है मैं यूज़ कर लेती हूँ उस टाइम पे। ये देखिए पलट पलट कर दोबारा इसे सिकने देंगे। अगर चाहें तो आप थोड़ा ऑयल और डाल सकते हैं, मैंने डाला था, ना चाहें तो आप इसे ऐसे भी सेक लेंगे। बहुत इजीली बन भी जाता है ये और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है अप्पम और नारियल की चटनी। थोड़ा थोड़ा मैं तेल और डालूँगी, थोड़ा लाल कुरकुरा और हो जाएगा अच्छा से। और मैं इसे फिर ढक दूँगी ताकि अंदर अच्छे से पक जाए, और जो साइडों में थे मैं उन्हें बीच में ले आ रही हूँ, बीच में फ्लेम ज़्यादा होता है ना तो अच्छे से लाल हो जाए। और इस तरह से मैं साइड कर कर के साइडों के बीच में लाकर बीचों के साइड में ले जाकर इस तरह से ऐसे अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए अच्छे से सिक गए हैं अब ये। अब मैं इन्हें सर्व करूँगी, गर्मा गर्म ही तो खाने में अच्छा लगता है ना। ये मैं स्पून से ही निकाल ले रही हूँ। देखा आपने कितनी जल्दी बन गया ये। तो देखा आप लोगों ने अप्पम बनाना कितना आसान है, रवा का अप्पम और नारियल की चटनी। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली ये बन जाता है और इसे बनाकर झटपट खाया जा सकता है। तो आप लोग भी इसे बनाएं, खाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और मुझे ऐसे ही बताते रहिए कि आप लोगों को और किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर उसे शेयर करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि जो आप लोगों को पसंद है मैं उस तरह का वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाइएगा, मुझे न्यू आइडियाज़ देते रहिए, टॉपिक्स देते रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, सी यू।